इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेसर देन इक्वल्स टू वन देन द वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग इन द इंटरवल. रेंज का क्वेश्चन हो रहा है बट अब क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्शन है. इफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स तो डिफाइन है ही इसमें. टेन के लिए हमारे पास में अब बैरियर हो गया कि वो जीरो और वन तक की ही वैल्यूज देगा. तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, जीरो से लेकर वन तक में ये थीटा बन कितना रहा है. इसको मैं मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स. गिवन डोमेन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है ये तो आपके पाई बाय टू ही बन जाएंगे. तो इस एफ एक्स को ब्रेक करके हमने बोल दिया कि ये पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स. अब टेन इनवर्स एक्स की वैल्यूज जो हैं वो गिवन डोमेन और जीरो और वन के लिए क्या जनरेट हो रही है यही इसकी रेंज बना के दे देगा. तो मैंने निकाला एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ जीरो बिकम्स फाइव बाय टू एंड एफ ऑफ वन. यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरवल यही प्रोवाइड किया गया. तो एफ ऑफ जीरो फाइव बाय टू के इक्वल और एफ ऑफ वन जो है वो आ जाएगा आपका फाइव बाय टू माइनस ऑफ फाइव बाय फोर या एफ ऑफ वन की वैल्यू हो गई पाई बाय. तो जो रेंज के टर्म है वो यही दोनों ऑप्टेन हो रहे हैं, क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्शन में हम आगे बढ़ते हुए यही देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू एफ ऑफ वन के लिए पाई बाय फोर है, पाई बाय टू. इससे एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिली नहीं पाएगी. तो थीटा का जो इंटरवल है वो आपका पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय टू के इंटरवल में लाया करता है. देख लीजिए इसे, अगर डोमेन प्रोवाइडेड नहीं होता तो हम इसको माइनस वन से प्लस वन में लेके सॉल्व करते, एक और वैल्यू का इनपुट हमें यहां पे देना पड़ता.